मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार एक जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन ये सुनकर कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठता है कि क्या वाकई में जीवात्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है, और अगर लेती है तो फिर कैसे। तो चलिए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर आज की हमारी इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, शास्त्रों और पुराणों के अनुसार सभी 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, और वो इसलिए क्योंकि यह कर्म के अनुसार ही पुनर्जन्म की व्यवस्था है। अब जो भी मनुष्य अच्छे काम करता है उन्हें तो मानव जीवन मिलता है, लेकिन कई जीव ऐसे होते हैं जिन्हें 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर एक योनि होती क्या है। तो ये बात तो सभी को पता है कि मादा के जिस अंग से एक जीवात्मा का जन्म होता है उसे ही हम योनि कहते हैं। इसी तरह पशु पक्षी कीट सर्प और मनुष्य आदि योनियों में कई तरह के उपप्रकार भी होते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि योनियां सिर्फ 84 लाख ही हों। समय के साथ साथ कई जीव जंतु विलुप्त और कई नए भी उत्पन्न होते रहते हैं। आधुनिक विज्ञान की माने तो अमीबा से लेकर मनुष्य तक की यात्रा में लगभग 1,04,00,000 योनियां बताई गई हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने बिना किसी साधन और आधुनिक तकनीकों के ये जान लिया था कि योनियां 84 लाख के लगभग है। अब आपको बताते हैं कि क्या सचमुच में एक आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है। तो मित्रों, बता दूं कि हर जीव की मृत्यु के बाद कई तरह की गतियां होती हैं, जो कि उसके घटना कर्म भाव और विचारों पर आधारित होती है। वेदों, उपनिषदों और गीता में मृत्यु के बाद 8 तरह की गतियों को बताया गया है, जो 2 भागों में विभाजित की गई है। पहली है अगति और दूसरी है गति। अब अगति में क्या होता है कि मनुष्य को मोक्ष तो नहीं मिलता, बल्कि उसे फिर से इसी मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है। वहीं गति में जीव को यह मृत्युलोक छोड़कर किसी और लोक में जन्म लेना होता है। अब अगति के 4 प्रकार होते हैं। पहली है शिनोद्रक। शिनोद्रक अगति में जीव पुनः पुण्यात्मा के रूप में मृत्युलोक में जन्म लेता है और संत सा जीवन व्यतीत करता है। दूसरी है भूमोद्रक। भूमोद्रक में वो सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। तीसरी है अगति। अगति में वो नीच या फिर पशु जीवन में चला जाता है। और चौथी है दुर्गति, जिसमें वो कीट पतंगों या फिर कीड़े मकौड़ों का जीवन पाता है। अब मित्रों, गति के भी 4 प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला है ब्रह्मलोक, दूसरा है देवलोक, तीसरा है पितृलोक और चौथा है नरकलोक। मित्रों, एक जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार ही इनमें से किसी लोक में जाती है। और इतना ही नहीं, पुराणों के अनुसार आत्मा 3 मार्गों द्वारा ऊर्ध्व या फिर अधोलोक की यात्रा करती है, जिनमें से पहला है अर्ची मार्ग। मित्रों, अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक या फिर देवलोक की यात्रा के लिए है। दूसरा है धूम मार्ग, जो पितृलोक की यात्रा के लिए है। सूर्य की किरणों में एक अमा नाम की किरण होती है, जिसके माध्यम से ही पितृगण पितृ पक्ष में आते जाते हैं। तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग, और मित्रों ये मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। ये यात्रा किसी बहुत बुरे सपने जैसी होती है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को त्याग कर अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करती है, तब उसे ये 3 मार्ग ही मिलते हैं। इतना ही नहीं, जिनके पाप और पुण्य समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम और पाप ज्यादा होते हैं वो पशु पक्षी का शरीर धारण करते हैं। जिसका मतलब है कि वो वृक्ष लता आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। अंत में अभिलाषाओं के अनुसार ही परिवर्तित होकर जीव योनि धारण करता है, और आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार फिर मनुष्य शरीर में जन्म लेती है। वहीं गर्भस्थ में आने के बाद एक जीव सोचता है कि हजारों साल पहले उसने कई तरह के जन्म लिए और कई भोजन भी किए, अलग अलग योनियों को भोगा, लेकिन अब जब वो गर्भ से बाहर निकलेगा तब वो भगवान का आश्रय लेगा। और इस तरह विचार करते हुए
मनुष्य बड़े ही कष्ट से जन्म लेता है, लेकिन माया का स्पर्श होते ही वो गर्भ में अर्जित किया हुआ ये सारा ज्ञान भूल जाता है और उसके लिए कुछ भी सही गलत नहीं रहता। इस सब के बाद मनुष्य अपनी मर्जी करने लगता है और इस तरह इस मनुष्य जन्म और शरीर का सौभाग्य खोने लगता है। तो मित्रों, हमने मिलकर जाना कि कैसे एक जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकती है। अगर आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।